नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 23 अक्टूबर के दिन बीसीसीआई को नया बॉस मिला था। बॉस थे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली। जिस तरह से बीसीसीआई के पिछले कुछ सालों में दशा रही थी, उसे देखकर देश के लोग चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना चाहिए जो क्रिकेट बैकग्राउंड से हो, जिसे क्रिकेट की समझ हो, जिसने क्रिकेट में अपना योगदान दिया हो। हुआ भी यही, गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन केवल 10 महीने के लिए। वजह थी, दरअसल बीसीसीआई के इस नियम के अनुसार अगर कोई इंसान 6 साल तक बीसीसीआई या फिर संघ में काम करता है तो वो कूलिंग पीरियड में चला जाता है, उसके बाद वो अपनी सेवाएं नहीं दे सकता। अब क्योंकि गांगुली ने 5 साल तक बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ काम किया और अब 10 महीने के लिए बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे, तो बीसीसीआई के नियम के मुताबिक गांगुली को भी कूलिंग पीरियड में डाल दिया जाएगा। लेकिन खबर है कि गांगुली के लिए बीसीसीआई के संविधान में बदलाव किया जाएगा। दरअसल 1 दिसंबर को बीसीसीआई की सालाना बैठक मुंबई में बीसीसीआई के मुख्यालय में होनी है, जिसके लिए सभी संघों को सूचना दे दी गई है। बैठक में कई पहलुओं पर बात होने की संभावना है, लेकिन इस बैठक में संविधान को लेकर भी चर्चा हो सकती है। उनमें से सबसे बड़ा मुद्दा होगा कूलिंग ऑफ पीरियड का। अगर इस बैठक में कूलिंग ऑफ पीरियड के नियम को बदलने की सहमति बनी और सुप्रीम कोर्ट इसे मान्य करार दे देता है, तो गांगुली एक बार फिर से बोर्ड की कमान संभाल सकते हैं। बैठक में अधिकारी बीसीसीआई के संविधान के कुछ बिंदुओं को देखेंगे जिन पर दोबारा काम किया जाएगा और संभव हो तो उनमें बदलाव भी किया जा सकता है। वो है हर बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाना। वैसे अधिकारियों को लगता है कि इसे बदलना संभव नहीं है। प्रस्ताव में लिखा है कि बीसीसीआई के संविधान में ये उपलब्धता है कि किसी भी तरह के बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी की जरूरत होगी। साथ ही बैठक में अगला मुख्य चर्चा का विषय होगा सदस्यों की अयोग्यता का। अधिकारियों को लगता है कि मौजूदा स्थिति में अनुभव की कमी होना बड़ा मुद्दा है। प्रस्ताव में लिखा है कि अयोग्यता का नियम बहुत बड़ा है। अगर कोई इंसान बिना ज्यादा अनुभव के बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व आईसीसी में करता है तो इंटरनेशनल स्तर पर भारत के योगदान को ज्यादा पहचान नहीं मिलेगी। इसलिए बीसीसीआई के हितों को बचाते हुए ये जरूरी है कि आईसीसी में अपनी बात को साफ रखने के लिए बीसीसीआई में अनुभवी लोग हों। तो देखना होगा जब 1 दिसंबर के दिन ये बैठक होगी तो किस तरह के बदलाव होते हैं। वैसे ये बात साफ है कि अगर दादा बीसीसीआई के दोबारा अध्यक्ष बनेंगे तो भारतीय क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।